स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आरसीआई की ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा चैप्टर हम पढ़ रहे थे 11th में। तीसरे चैप्टर में अगला जो हमारा टॉपिक है वो है गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन में देखते हैं बेटा गति के प्रकार। जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान है। प्रकृति में हम देखते हैं तो मुख्यतः हमारे पास तीन ही प्रकार की गतियां जो है पाई जाती है। प्रकृति में जो भी गति हो रही है, चाहे वो कोई भी पिंड कर रहा हो, चाहे कोई भी कण कर रहा हो, वो केवल तीन प्रकार की गति होती है। उन्हीं पर कोई ना कोई गति वहां पर पाई जाती है। अब उनको समझ लेते हैं कि क्या ऐसी कौन सी गतियां हैं जो पूरी प्रकृति में पाई जाती हैं। तो प्रकृति में मुख्यतः तीन प्रकार की गतियां पाई जाती है। उसमें पहली है एक विमीय गति। पहली आपके पास कौन सी है? एक विमीय गति। नाम से पता चल रहा है एक विमीय, यानी कि किसी एक ही निर्देश तंत्र में अगर अपन बात करें, सॉरी एक ही अक्ष के अनुदिश अगर गति होती है तो वो गति कहलाती है एक विमीय गति। यानी कि किसी सरल रेखा में एक ही अक्ष के अनुदिश जो गति होती है वो गति क्या कहलाती है? एक विमीय गति। कैसे? उदाहरण से समझे कि जो रेलगाड़ी है, रेल की जो पटरी होती है, उस पटरी पे जो रेलगाड़ी गति करती है, अब पटरी क्या है? एक ही अक्ष के अनुदिश बिछी हुई है, पूरी एक ही अक्ष में रहेगी। कई लोग अब सोच रहे होंगे कि सर जी रेल की पटरी तो इस तरह घूम ही जाती है, चाहे घूम जाए लेकिन अक्ष क्या रहेगा बेटा? एक ही रहेगा। दूसरा अक्ष कब आता है? देखो एक्स वाई जेड निर्देश तंत्र की बात करें तो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है, ठीक है। अब इस अक्ष में चाहे आप अगर आप देखेंगे तो इस अक्ष में एक्स अक्ष के लंबवत वाई अक्ष होता है। तो जब तक अपन पृथ्वी पर रहेंगे, पृथ्वी से ऊपर नहीं जाएंगे, पृथ्वी पर जा रहे हैं, तब तक एक ही विमा में एक ही अक्ष में गति होगी, उस गति को हम बोलते हैं एक विमीय गति। तो रेलगाड़ी जो है वो एक विमीय गति करती है, यानी पटरियां जो है वो पृथ्वी पर बिछी होती हैं, तो वो जितनी भी गतियां करती है रेलगाड़ी, वो जो भी गति कर रही है वो एक विमीय गति है। ऊंचाई से फेंकी गई गेंद, ऊंचाई से अगर अपन को गेंद फेंकेंगे, जैसे मान लीजिए आप किसी इस ऊंचाई पर बैठे ए बिंदु पर और यहाँ गेंद फेंकते हैं बी बिंदु पर, ऊपर से नीचे की ओर, तो यहाँ से ऊपर से आप गेंद फेंकेंगे तो एक ही अक्ष के अनुदिश फेंक रहे हैं, और वो अक्ष अगर आपका वाई है और इधर जो अक्ष है वो एक्स अक्ष है, तो आप एक ही अक्ष में फेंक रहे हो, एक्स अक्ष में नहीं फेंक रहे। अगर आप एकदम सीधे गेंद को फेंकते हैं तो वो एक्स अक्ष में जाएगी, और अगर एकदम ऊपर फेंकते हुए ऊपर से नीचे गिरते हैं तो केवल और केवल एक ही अक्ष में रहेगी, वाई अक्ष में, जब तक आप किसी कोण से नहीं फेंकेंगे। अगर अपन किसी कोण से फेंकते हैं तो फिर क्या हो जाएगी? दो गति हो जाएगी, ऊपर भी जाएगी और आगे भी जाएगी, एक्स अक्ष में भी जाएगी। लेकिन अगर ऊंचाई से अपन किसी गेंद को फेंकते हैं तो केवल एक ही प्रकार की गति होती है। तो एक समझ में आ गया होगा कि एक विमीय गति किसको कहते हैं? जो केवल और केवल एक अक्ष में होती है, एक निर्देशांक में अगर आप बात करें तो एक ही अक्ष में होगी, तो वह एक विमीय गति होगी, ठीक है। दूसरी बात करते हैं द्विविमीय गति। नाम से पता चल रहा है द्वि मतलब दो, दो अक्षों के अनुदिश या किसी एक तल में कोई गति होती है, उस गति को हम बोलते हैं द्विविमीय गति। कैसे? देखो प्रक्षेप जो गति है वो द्विविमीय गति है, और वृत्ताकार पथ में कोई भी अगर व्यक्ति जो है या कण है या पिंड है वो गति करता है तो वो कैसी गति करता है? द्विविमीय गति। कैसे बेटा? जो देखो हमारे पास द्विविमीय गति के लिए दो अक्ष की जरूरत होती है, यानी कि ये एक्स है ये वाई एक्स है, तो अगर अपन प्रक्षेप गति करते हैं तो कोई भी पिंड इस तरह जाएगा तो वो ऊंचाई भी लेगा और दूरी भी तय करेगा, ऊंचाई भी लेगा और दूरी भी तय करेगा। तो इसका मतलब एक्स अक्ष में जा रहा है और वाई में, तो कितने अक्षों की जरूरत हो गई उसको? दो अक्षों की जरूरत होती है, दो अक्षों की जरूरत होती है, तो दो अक्षों में जो गति होती है उस गति को बोलते हैं द्विविमीय गति। तो प्रक्षेप गति कैसी हो गई? द्विविमीय गति, क्योंकि यहाँ ऊंचाई भी लेता है और दूरी भी तय करता है। दूसरी हम बात करें वृत्ताकार पथ में गति, तो वृत्ताकार जो पथ होता है, वृत्त जो हम बनाते हैं ब्लैक बोर्ड पे, ये ब्लैक बोर्ड पे जो वृत्त हमने बनाया है उसमें भी दो एक्स होते हैं, एक्स और वाई, जेड अक्ष इसके क्या होता है? ब्लैक बोर्ड की इधर बाहर की ओर होता है, तो जेड अक्ष में वृत्त कभी भी नहीं होता। हाँ अगर अपन गोले की बात करें, गोला मतलब फुटबॉल की बात करें, तो वो तीन अक्षों में है, लेकिन जो वृत्त है ये दो अक्षों में है। तो वृत्त में मान लीजिए अगर कोई ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और घूमकर यहाँ बी बिंदु पर पहुंचता है, तो जितनी भी वो गति कर रहा है, जिस वृत्ताकार पथ में वो गति कर रहा है, वो दो अक्षों में गति कर रहा है। तो वृत्ताकार पथ में गति कैसी गति होती है? द्विविमीय गति होती है, याद रखना।
ठीक है जी। आगे देखिए तीसरी जो गति है वो है त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति है, त्रिविमीय गति जो हम आसमान में, जो हमारा आसमान है उसमें जितनी भी गतियां हो रही है, जैसे वायुयान की गति है, मक्खी की गति, मक्खी घूमती रहती है, मच्छर, ठीक है, तो आकाश में पक्षी की गति, ये सारी गति है त्रिविमीय गति है। त्रिविमीय गति मतलब एक्स अक्ष में भी जाते हैं, वाई में भी जाते हैं और जेड में भी, ठीक है। तो यानी कि जो वायुयान होता है वो कैसी गति करता है, त्रिविमीय गति करता है। त्रिविमीय का मतलब तीन अक्षों में। त्रिविमीय गति के लिए कितने अक्षों की आवश्यकता होती है, तीन अक्षों की आवश्यकता होती है। तीन अक्षों में जो गति होती है वो वायुयान करता है, यानी कि आसमान में जितनी भी गतियां होती है वो कितने अक्षों में होती है, तीन अक्षों में होती है। जो गैस के कण है या गैस के अणु है वो भी त्रिविमीय गति करते हैं, क्योंकि जिस भी सिलेंडर में ये गैस के जो आपके पास कण भरे हुए हैं, मान लीजिए कोई सिलेंडर है, इस सिलेंडर में भी आपके पास ये भरे हुए हैं कण, तो वो क्या करते हैं, एक्स अक्ष में भी चले जाते हैं, वाई में भी चले जाते हैं और सिलेंडर की दीवारों से भी टकराते रहते हैं, जेड अक्ष में भी जाते हैं। तो एक्स वाई जेड तीनों अक्षों में ये जो आपका गैस के कण हैं वो गति करते हैं। तो गैस के कण, धूल के कण, ये जो जितने भी कण हैं ये सारी कैसी गति करते हैं, त्रिविमीय गति करते हैं। तो इस तरह से जो आपका ये आपके पास जो गति है वो गति तीन प्रकार की होती है। तो प्रकृति में केवल और केवल तीन ही प्रकार की गतियां पाई जाती हैं, इसके अलावा और कोई गति नहीं है, क्योंकि अक्ष ही पृथ्वी पर अपने पास कितने होते हैं, तीन अक्ष होते हैं, तीन में तीन ही गतियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं फिर भी, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ लेना। और जो हमारे वीडियो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।